हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। और आज के वीडियो में हम करेंगे पंचनामा इस मार्केट का, जिसका नाम है बंजारा मार्केट, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 56 गुड़गांव, विच इज़ इन हरियाणा। पीपल्स वॉचिंग दिस वीडियो सिटिंग समवेयर इन डाउन साउथ और वेयर इंग्लिश इज़ द ओनली स्पोकन लैंग्वेज बिसाइज द लोकल लैंग्वेज, लेट मी टेल देम दिस मार्केट डज नॉट बिलीव इन सेलिंग ऑनलाइन। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग, देन यू हैव टू कम पर्सनली। तो ये पूरा वीडियो है टोटली डेडिकेटेड टू पीपल दोज हू आर इन गुड़गांव और डेली NCR, and you can come here and buy. So we will start, we'll do the panchnama, we'll do the product testing, also har store ka maal ke bare mein aapko batayenge ki wo kitna genuine hai, kitna real hai, kitna original hai, kitna breakage hai, creative inputs bhi honge, aur saath mein end of the video aapko batayenge ki kis tarah se youtubers ki wajah se thoda sa business ka problem ho raha hai. And market is there at least for more than 8 years, 8 साल पुराना ये मार्केट है दोस्तों। और इस मार्केट की खासियत ये है कि ये 3 बार शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम दी मेन रोड, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन 2 मंथ्स टाइम दे विल बी शिफ्टेड टू सम प्लेस एल्स, बिकॉज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव हैज़ अलॉटेड अ स्पेस फॉर देम वेयर दे कैन हैव अ प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड मार्केट। आई होप दैट दे विल फ्लरिश, दे विल ग्रो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग शॉप नंबर 1। और उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि हम वही शॉप्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनके प्रोडक्ट्स थोड़े डिसेंट हैं, अच्छे हैं, बिकॉज देर आर मोर देन 150 स्टोर्स। सो दिस इज़ दी शॉप नंबर 1 इफ़ यू स्टार्टिंग इट फ्रॉम दी अदर साइड ऑफ द पेट्रोल पम्प। सो इन दिस स्टोर देर आर मिरर्स, ये जो आप देख रहे हैं शीशम वुड के मिरर हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ यू कैन लुक एट दे बेसिकली आर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट फ्रेश एट ऑल। एंड सो बीन देर आर मोर देन 63-64 ब्लॉग्स ऑन बंजारा मार्केट, एवरीबडी गोज गागा, सब अच्छी बातें करते हैं इसके बारे में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट हैं ये बात कोई नहीं बताता, बट दीज आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल, बिकॉज ये आपकी पॉकेट में आराम से फिट हो जाते हैं। तो अब प्रोडक्ट की बात करें तो इस वाले स्टोर में मेनली आप देखें तो वुडन ट्रेज हैं, सिजलर ट्रेज हैं। ये जो ट्रे हैं ये बेसिकली अनफिनिश्ड हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आइदर दे आर सेकेंड हैंड और दे आर द लेफ्ट ओवर ऑफ अ बिगर स्टोर। और ये आप ख़रीदने से पहले ध्यान दें कि ये वुड पॉलिश्ड नहीं है, तो आस्क देम टू पॉलिश इट फॉर यू और पॉलिश करा के लें। ये लगभग 300 से 400 रुपये के बीच में मिलता है, एंड इफ़ इट इज़ बिगर देन इट इज़ 700 रुपीज़। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई दीज कैंडल स्टैंड्स, ये कैंडल स्टैंड्स को आप ध्यान से देख लें। जनरली कैंडल स्टैंड्स पेयर में ख़रीदे जाते हैं और पेयर में यहाँ पर कभी कभी कैंडल स्टैंड नहीं मिलते हैं, बट ऑफकोर्स इफ़ यू आर यूजिंग सिंगल पीस तो आप अपने एंटरटेनमेंट यूनिट पर रख सकते हैं, तो आप सिंगल ले सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट को ध्यान से ख़रीदें, लुक एट दिस बॉक्स, ये प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। एंड इफ़ यू बिलीव दैट जो आपका पॉकेट में फिट होता है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, देन यू कैन बाय दीज थिंग्स। इफ़ यू वांट समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंप्रेसिव, देन मेक श्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ गुड। फॉर एग्जांपल दिस क्रॉस, दिस इज़ नॉट मेड ऑफ शीशम, दिस इज़ MDF, एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस ब्लॉग, सो यू कैन डिस्टिंग्विश MDF फ्रॉम द रियल शीशम वुड। जनरली जो MDF होता है उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, माइक्रो डेंसिटी फाइबर होते हैं उसके अंदर और वो बहुत वेट में हल्का होता है, इसीलिए उसकी लाइफ भी कम होती है, प्राइस भी उसका कम होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा प्रोडक्ट सहारनपुर का है, ये मुझे लगता नहीं है कि ये जो है सेकेंड हैंड है, बट ऑफकोर्स ये किसी शॉप का लेफ्ट ओवर लगता है। और ये देख रहे हैं ये भी सहारनपुर का फर्नीचर है, इसके ऊपर भी MDF एंड शीशम के प्लेट्स हैं। ये आपको टेबल लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। लुक एट दिस फ्रेम, ये मिरर का है, बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ लुक्स, बट व्हेन यू सी क्लोजली ऑफकोर्स देर इज़ चिपिंग और पॉलिश निकल गई है इसकी, कहीं जगह पे इसके क्रैक्स भी हैं। और अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रेम्स मिल जाते हैं बहुत सारे, बीच बीच में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लोग कैसे अपने यहाँ पर ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये थोड़ा सा ख़राब हालत में है बिकॉज मार्केट यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता रहता है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा बार्गेन भी ना करें। एंड लुक एट दिस, दिस एन अमेजिंग बॉक्स, ये बहुत अच्छा एक बॉक्स है। ये बॉक्स जनरली आपको लाजपत नगर में भी मिल जाते हैं, बट ये आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% में मिल जाएगा, लगभग 1000 से 1200 रुपये में ये बॉक्स दे देते हैं यहाँ पर। आप बात कर लीजिए, ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर रहा है, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट प्राइस, बिकॉज हम पूरा मार्केट फीचर करने जा रहे हैं तो हर प्रोडक्ट का प्राइस बता पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ये है कि इसको आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं एज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप इसको लिविंग रूम में रख सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में एज ए बैंगल बॉक्स बना सकते हैं। एक ये देखिए, ये एक वुड का बहुत अच्छा वॉल हैंगिंग है,
ये बहुत ही यूनिक पीस है. बेसिकली आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव नॉट परचेज दिस. इसमें छोटे छोटे वुड के ब्लॉक्स हैं जिनमें सिल्वर फॉइल लगा हुआ है. आप इसको ख़रीद के रिपेयर करा लें. दिस विल लुक वेरी नाइस इफ़ यू हैव स्टेयरकेस और द एंट्रेंस. घर के एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छा है वो, और अराउंड 600 में मिलता है. एक ये देखिए, ये एक वॉल हैंगिंग है एंड इसको वेट को उठाने से पता चलता है कि ये एक्चुअली वुड नहीं है, बट ये आपको वुड का लुक देता है. ये MDF है. इसका वेट मुश्किल से 1.5 से 2 किलो होगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट वुड फॉर श्योर. और ये आपको मिल जाता है लगभग 600-800 रुपए में. आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ से खरीद सकते हैं. और आप चाहें तो इनको भी स्टेयरकेस में लगाएं. सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4, 5, 6 लगा के अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है तो इससे आप उसको फिल कर सकते हैं. और अब एक एक इंडिविजुअल आपको पीसेस बताते हैं. ये देखिए, एक ये बहुत बड़ा एक क्लस्टर है बेसिकली, जहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स हैं. इन फ़ोटो फ्रेम्स को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में. अगर आपके पास वॉल है एक बहुत बड़ी, तो ये सारे के सारे आप डिफरेंट शेप एंड साइज़ में ले लें और अपने डेकोर के हिसाब से इनको रीपेंट कर सकते हैं. एक ये ट्रे देख रहे हैं आप, ये फैब इंडिया में मिलती है, जिसकी कीमत वहाँ पे लगभग 3000 रुपीज़ है. यहाँ पे आपको 1 से 1.5 हज़ार रुपये में मिल जानी चाहिए. ये ट्रेस की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप ये ख़रीद सकते हैं. डिस्पाइट दे आर दी सरप्लस प्रोडक्ट्स, दीज फ्रेम्स आर वेरी नाइस. इफ़ यू हैव अ गर्ल रूम देन यू कैन पुट लॉट ऑफ पिंक फ्रेम्स, मे बी एम्प्टी फ्रेम्स भी आप अपने घर में टांग सकते हैं. हमने एक बहुत पहले वीडियो में बताया था कि ये जो फ्रेम्स हैं, इनकी खासियत ये होती है कि इनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको मिरर लगाना हो या आप इनके अंदर आपको पेंटिंग्स लगानी हो. आप इनको खाली टांग के एक खाली वॉल को आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये सेकेंड हैंड है किसी होटल के. ये सब हुक्स हैं, दे आर नॉट इन वेरी गुड कंडीशन. इनको नहीं ख़रीदना है बिकॉज इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. दो दे क्लेम कि इसको वो रिपेयर कर देंगे, बट जनरली इनका रिपेयर थोड़ा मुश्किल होता है. आप इनको ख़रीदने से पहले अच्छी तरह टेस्ट कर लें, बिकॉज जनरली मोस्ट ऑफ़ देम आर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है. हम यहाँ पे कुछ खुर्जा की पुरानी कटलरी देख रहे हैं, क्रॉकरी देख रहे हैं, प्लांटर्स हैं, लेकिन दे आर जनरली नॉट इन वेरी गुड शेप. दीज प्लांटर्स आर वेरी नाइस. इफ़ यू हैव प्लांट्स एट होम यू कैन बाय दीज प्लांटर्स, जो कि 3000 से 4000 के रेट में हैं. दीज मिरर्स, हैंडमेड मिरर्स, ये आप ले सकते हैं. ये स्टील के प्रोडक्ट हैं. इफ़ यू लव स्टील देन यू कैन बाय दिस. लुक एट दिस बोल, दिस इज़ अवेलेबल फॉर 300 रुपीज़. वेरी नाइस फॉर ड्राई सर्विंग. अब एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये है कैंडल स्टैंड. ये एक बहुत अच्छी कंडीशन में एक कैंडल स्टैंड है. ये बहुत लॉन्ग है, दिस इज़ अराउंड 2.5 फीट टॉल, और ये बड़ा अच्छा गोल्ड का थीम देता है. अगर आपके घर में थोड़ा सा येलो, और आपने अगर वार्म शेड्स लगा रखे हैं अपने घर में, लाइक येलोज एंड ग्रीन एंड ब्लूज, देन दिस विल गो परफेक्टली वेरी वेल. ऑफकोर्स इट गोज़ विद पेस्टल शेड्स ऑल्सो, बट दिस गोज़ वेरी वेल विद योर वार्म कलर टोन्स. सपोज यू हैव रेड और ग्रीन. ऑल राइट, एंड दिस इज़ ये स्टील में कुछ प्रोडक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ जग्स हैं यहाँ पे, वो भी ले सकते हैं आप. अच्छी कंडीशन में है. स्टूल इज़ इन अ गुड कंडीशन. और ये एक, ये देखिए, इनको ख़रीदने से पहले ध्यान दें, इसके दोनों साइड में हैंडल होना चाहिए था. देखते हैं किसमें है. हाँ देखिए, इसमें है हैंडल्स. तो लेने से पहले आप उसको बोलिए कि वो आपको हैंडल लगा के दें. दीज आर द स्टील प्लांटर्स, ये आप ख़रीद सकते हैं. दीज आर द मेटेलिक प्लांटर्स, इनको ये लोग, ये आइदर सेकेंड हैंड है या एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये सरप्लस का माल है, तो इसको ये लोग दोबारा से पेंट करते हैं. ये देखिए, कॉपर शेड में छोटे छोटे कैंडल स्टैंड हैं, और ये पूरा इन्होंने बहुत अच्छे से टांग रखे हैं. यू कैन बाय देम इन बल्क एंड अपनी बैल्कनी में पूरा एक स्ट्रिंग बना सकते हैं. कॉपर की प्लेट्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं. ये पॉपपूरी सर्विंग के लिए बहुत अच्छी हैं. ड्राई फ्लावर्स आप सर्व कर सकते हैं. अगर घर में कोई फेस्टिवल है, आपके सोशल इवेंट है, यू कैन यूज़ दीज प्लेट्स एज़ योर एज थाल फॉर लड्डूज. एंड लुक एट दिस वन, दिस इज़ अ वेरी नाइस पीस. And not sure this is used, but it is in very good condition. इसकी condition बहुत अच्छी है. This is for around 1200 rupees में वो प्लेट आपको मिल जाता है. And planters are available for 3000 to 4000 rupees because they are big in size. All right, we move on to this. And ये glass का एक butler tray था. These are the wooden table, wooden trays. ये भी बड़े size में भी हैं, छोटे size में भी हैं, और ये लगभग 700 से 800 रुपये में मिल जाता है आपको. और प्राइस डेफिनेटली विल वेरी, सो दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेटली प्राइस वी आर शेयरिंग विद यू. एंड इफ़ देर आर ब्लॉक्स ऑल्सो, लॉट ऑफ फोटो फ्रेम्स. बंजारा मार्केट की खासियत ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बहुत मोनोटोनस हैं. आप एक स्टोर से दूसरे स्टॉल पे जाएंगे तो आपको फ्रेम्स, कैंडल स्टैंड्स, वुडन बॉक्सेस और लाइट्स, ये सब ज़्यादा मिलती हैं. और बाय एंड लार्ज ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं. इनमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. एंड दिस इज़ आवर फेवरेट स्टोर, ये जो है फर्नीचर स्टोर है. चलिए इसका क्वालिटी टेस्ट किया जाए. ये देखिए, ये एक चीटिंग है.
इसके अंदर एक आप देख रहे हैं वीनियर का छोटा वुडन वीनियर लगा हुआ है सेलमेरा के ऊपर, ये एक यूनिट है बेसिकली, बट दिस इज़ नॉट वुडन। इसके अंदर एक वीनियर लगा हुआ है जो वुडन का लुक देता है, बट दिस इज़ नॉट वुडन, बोर्ड का है वो। ये टेबल है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ मैंगो बोर्ड, ये आप ले सकते हैं अराउंड 3000 रुपीज़ में। एक ये यूनिट है, थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट है, इसको आप फिक्स करा लीजिए, इसको पॉलिश करा लीजिए, उसके बाद आप ले सकते हैं अराउंड 5000 रुपीज़ में। एंड लुक एट दिस वन, दिस इज़ वुड, इसका भी क्वालिटी टेस्ट किया जाए। और ये एक अच्छा स्टूल है, इसको आप ले सकते हैं एज ए साइड टेबल, बट प्रॉब्लम वही होती है जैसे बिगनिंग में आपको बताया था कि जनरली सिंगल पीस मिलते हैं। ये एक यूनिट है जो कि शीशम वुड में है, अगेन दिस इज़ रीफर्बिश्ड, इसको कह सकते हैं कि ये पुराना फर्नीचर है। और एक ये देखिए आप, ये एक फर्नीचर है जिसमें एक डिफेक्ट है कि इसके अंदर जो इसके अंदर फैब्रिक यूज़ किया है वो वॉर्न आउट हो चुका है। आप उनको बोलिए कि या आप अपने लोकल कारपेंटर से ये फैब्रिक निकाल के एक वुड का पीस लगा लीजिए तो ये आपके लिए परफेक्ट बन जाएगा। ये एक राजस्थानी सेंटर टेबल है, फॉर अराउंड 5 से 6000 रुपीज़ में मिल जाएगा। दिस इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, वी हैव चेक दिस प्रोडक्ट। इसके ऊपर जो आप टॉप देख रहे हैं बस उसमें थोड़ी ख़राबी है, आप इसको क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बेस अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप इसके ऊपर मार्बल का टॉप कटवा के एक दूसरे पीस में लगवा लीजिए। नॉट मैनी स्टोर्स हैव दिस, बट ट्रस्ट मी दिस लुक्स वेरी नाइस। आप ये यूनिट ले लीजिए, इसके ऊपर एक वुडन की जगह आप मार्बल का टॉप लगाएं, दिस विल लुक वेरी नाइस, और उससे उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। एक ये है देखिए, ये साइड टेबल है जो बेड के साइड में रखा जाता है, दिस इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, इसको आप ले सकते हैं, दिस इज़ फॉर अराउंड 3500। और ये इसके अंदर रॉट आयरन का बहुत अच्छा ग्रिल वर्क हो रहा है और ट्रांसपेरेंट भी है, इसके अंदर आप बुक्स भी रख सकते हैं। इन केस यू हैव अ स्पेस बट यू वॉन्ट टू कीप बुक्स, देन दिस इज़ द परफेक्ट चॉइस, आप इसको भी ले सकते हैं वहाँ से, इसकी क्वालिटी इज़ ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, लुक एट दिस फर्नीचर, इसमें भी थोड़ा सा डिफेक्ट है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये पार्ट वन है, पार्ट टू में हम बाकी दुकानें दिखाएंगे। लुक एट दीज पीपल, दे एक्चुअली लिव देयर। और हम वीडियो, इस वीडियो के इस पार्ट वन के एंड में बताएंगे कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, यूट्यूबर्स की तरफ की वजह से उन लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और पार्ट टू में हम आपको बताएंगे कुछ मिरर्स के बारे में। और अगले स्टोर पे चलते हैं अभी। ये स्टोर में आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी कैंडल स्टैंड है, ये यूनिक हैं, ये कहीं नहीं मिलते और ये बल्क में भी हैं, आप इसके कई सारे पीसेस भी खरीद सकते हैं। और अब हम स्टोर पे आ गए हैं, एक ऐसे स्टोर पे जहाँ पे हम एक सेलर से बात करेंगे और उनकी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑल राइट, सो वी मूव ऑन टू दिस, एंड देर आर मोर फ्रेम्स, यू कैन बाय लॉट ऑफ फ्रेम्स। ये एक फ्रेम है, ये विदर्ड लुक है, ये ख़राब नहीं है, ये एक एक्चुअली एंटीक फिनिश है, इनके आप 3-4 पीस लेके आप लगा सकते हैं इफ़ यू बिलीव एंटीक फिनिश लुक्स नाइस। पर उससे पहले चलिए एक सेलर से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम शेयर करते हैं आपके साथ में। आपको अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर, अभी क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या है, रेट कुछ मिल नहीं रहा है, इतना सस्ता सामान, मैं खुद घाटा आ रहा है इतने सस्ते सामान। तो आपको, हम जैसे लोगों से भी शिकायत है जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, क्या शिकायत है आपको? रेट लेते हैं वो रेट नहीं, आधे रेट लगाते हैं, इतना महंगा सामान लेते हैं। अच्छा, तो लोग क्या करते हैं वो शायद आप समझ पा रहे होंगे, लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कि लोग ज़्यादा देखें, उसमें उसके रेट को आधे से ज़्यादा 100-50 रुपये कर देते हैं। तो आप लोगों, हमने लोगों से ऑलरेडी अपने वीडियो में ये लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ज़्यादा आपसे बार्गेनिंग ना करें, जो प्राइस आप बोल रहे हैं उस प्राइस में आपको दे दें, ठीक है? इतना सस्ता सामान लगाता, मैं रेट भी नहीं मिल रहा है इसका। अच्छा, दूर से लेते हैं, बच्चे का रेट भी नहीं मिल रहा है। बात तो ठीक है आपकी, चलिए हम भी लोगों से, अपने दर्शकों से एक बार ये दरख्वास्त करेंगे, बोलो इतना रेट मत लगाओ सस्ता। हाँ, वो लोग थोड़ा यूट्यूबर्स ज़्यादा कर देते हैं ऐसा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग, आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा ये था पार्ट वन, पार्ट वन में हमने आपको काफ़ी सारा पार्ट दिखा दिया है। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे बाकी का 50% ऑफ द मार्केट, मार्केट बहुत बड़ा है, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि पार्ट टू में हम पूरा का पूरा मार्केट कवर कर सकें। सो लेट्स सी, एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग क्लैब ट्रैप, कीप वॉचिंग।